क्या नाम है आपका? भीकम सिंह भारती। रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ से आज क्या आपकी मांग है और क्या पूरा मामला है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम मांग यह है कि अभी लगभग दो दिन पहले जो हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दलित बच्ची के साथ रेप कर उसका हत्या कर दी गई, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दलित की शादी में सवर्ण समाज के द्वारा पीटा गया, तो मैं कहना चाहता हूँ आखिर ये जातिवादी व्यवस्था कब तक चलेगी? कब तक दलित पिछड़े मुस्लिमों के साथ अत्याचार होते रहेंगे? कब तक हम लोग इन चीज़ों को झेलते रहेंगे? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो जाति व्यवस्था में पूर्ण रूप से फंसे हुए हैं, एक ही जाति विशेष के लोग दलितों पर अत्याचार, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हमें ऐसा लग रहा है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सारे जाति व्यवस्था के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ शरण दे रखी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक राजा होने के बाद उसके प्रदेश में एक विशेष कुछ विशेष जातियों और धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, जो हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इसको हटा करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि हम दलित पिछड़ों मुस्लिमों को आगे हथियार ना उठाने पड़े। नहीं तो मारना हम भी जानते हैं, पीटना हम भी जानते हैं, जवाब देना हम भी जानते हैं, लेकिन नहीं, हम संवैधानिक लोग हैं, हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, क्योंकि हमारा धार्मिक ग्रंथ, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ, संविधान हमें गलत करने की इजाजत नहीं देता है। हम अपनी मांग सहसमिति आराम और शांति व्यवस्था के तरीके से मांग रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम आने वाली 29 जुलाई को रोडों पर आएंगे और उपजिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उस महामहिम राष्ट्रपति महोदया में वो में कितना दलित आदिवासी समाज से आती हैं, उनमें कितना हम लोगों के लिए प्रेम है, कितना वो अपने देश के लोगों से प्रेम करती हैं। अगर वो हमसे प्रेम करती हैं, अगर दलित पिछड़ा मुस्लिमों के हक और अधिकार की बात करती हैं, तो तत्काल प्रभाव से यूपी सरकार को उनको बर्खास्त करना होगा और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा।